गिरफ्तारी हो, अपराधियों का गिरफ्तारी हो, पुलिस प्रशासन होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मृतक के परिजन को मुआवजा मिले, मुआवजा मिले, मृतक के परिजन को मुआवजा मिले, मुआवजा मिले, मुआवजा मिले, मृतक के परिजन को मुआवजा मिले, मुआवजा मिले, मुआवजा मिले, मृतक के परिजन को मुआवजा मिले, मुआवजा मिले, मुआवजा मिले, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अपराधियों को गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी हो, अपराधियों का गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी हो, अपराधियों का। वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज। घोड़ासहन में कल श्रीपुर के पास अज्ञात अपराधियों के द्वारा एक व्यवसायी को गोली मारकर निर्मम हत्या कर दिया गया। अभी जो है यहां पर कुछ जनप्रतिनिधि लोग हैं, सौ रख करके प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जानते हैं वो क्या मांग कर रहे हैं। आज जो है अपराधी बेलगाम हो गए हैं, घोड़ासहन में आए दिन इस तरह का घटना घट रहा है। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो और प्रशासन जो है इस पर सक्रिय हो जाए, क्योंकि इस तरह का घटना होने से व्यवसायियों में जो है एकदम ऐसा माहौल बना हुआ है कि लोग व्यवसाय करना बंद कर देगा, कोई सुरक्षित माहौल नहीं है। और आज जो है हम लोग यहाँ जो है शौक के साथ जो ग्रामीण यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग को अपराधी जो है गिरफ्तार होना चाहिए। परिवार में ये लोग दो भाई थे, एक भाई की हत्या हो गई है, एक भाई जो है एकदम डरा है, इसलिए उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, परिवार के लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर आज जो है यहाँ ग्रामीण श्रीपुर कस्बा में सौ रख के प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी पदाधिकारी से बात हो रही थी, एसपी साहब आश्वासन दे रहे हैं, डीएसपी साहब आश्वासन दे रहे हैं कि अविलंब गिरफ्तारी होगी। कुछ लोगों को इन लोगों द्वारा गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक कोई सफलतापूर्व बात अभी नहीं आ पाया है। इसलिए हम लोग प्रशासन से प्रयास करेंगे कि जितना जल्द से जल्द अपराधी का गिरफ्तारी हो एवं इस कांड का उद्भेदन हो, इसका हम लोग मांग करते हैं। देखिए परिजन को तो कितना भी मिलेगा तो परिजन का क्षति जो है पूरा होने वाला नहीं है। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि परिजन को 25 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए और सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि मुआवजा का राशि तो मिलता है लेकिन परिजन को सुरक्षा नहीं। आज ये आदमी चला गया करोड़ों रुपया एक तरफ रख दीजिए तो यह वापस नहीं आएगा, इसलिए सरकार इनको मुआवजा दे और इनकी सुरक्षा दे और अपराधियों का गिरफ्तारी हो, जिससे कि अगला किसी के साथ यह घटना नहीं घट सके। आपको नहीं लग रहा कि व्यवसायी अब यहाँ पर सुरक्षित नहीं रह गया? एकदम लग रहा है, क्योंकि बार बार ये घटना हुई है, गोली चला है, कई कांड हुए हैं। इसके पहले स्वर्ण व्यवसायी के घर में गोली चला था, उसके बाद में राजेश जी जो है किराना व्यवसायी है उनको गोली चला था जो बाल बाल बचे थे, आज जो है ये गोली चला और मर भी गए। इसके पीछे सीधा सीधा है कि लूट कांड, रुपया लूटने के प्रयास में ही इस तरह के घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे भय की स्थिति में कैसे व्यापार करेगा? देखिए लोगों में भय की स्थिति में व्यापार जब तक प्रशासन जो है सुरक्षा नहीं उपलब्ध कराएगा, प्रशासन जो है अपराधियों की गतिविधि पर नजर नहीं रखेंगे, तब तक भयमुक्त व्यवसाय नहीं कर सकता। यह आपका कहना एकदम जायज़ है, हम भी मांग करते हैं कि घोड़ासहन में प्रशासन की पैनी नजर होनी चाहिए और घोड़ासहन के अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये पीछे देख सकते हैं उनका घर है, घर में चीख पुकार मचा हुआ है, अभी उनका शव यात्रा यहाँ से निकला है और यहाँ पर हम कैमरामैन को कहेंगे कि दिखाए, इधर काफी लोग जमा हुए हैं, लोग देखने हैं, सभी लोग मर्माहत है इस घटना को, इस निंदनीय घटना को देखकर। आखिर अपराधियों में इतना कहाँ से ये हो रहा है, उसके अंदर जोश कहाँ से आ रहा है, खुलेआम ये मौत का तांडव मचाए हुए अपराधी कब तक इस तरह ये घटना का अंजाम देते रहेंगे और कब उनके ऊपर लगाम लगाई जाएगी? आइए उनके परिजनों से बात करते हैं, क्या स्थिति है, क्या वो बात करने के। देखिए हमारे पीछे देख सकते हैं औरतें हैं, घर की औरतें हैं, अगल बगल आस पड़ोस की औरतें आई हुई हैं, सब लोगों के आंख में आंसू है। एक नौजवान लड़का चला गया, अपने पीछे छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चला गया, आखिर उनके बच्चों का कौन, चार बच्चे हैं उनके बच्चों को कौन भरण पोषण करेगा, कौन उनको देखेगा? आज के समय में सभी औरतों के आंख में आंसू है। आइए हम कुछ औरतों से बात करते हैं, क्या घटना हुई है, कैसे घटना हुई है। ये देख लीजिए माँ का क्या हालत है, उनकी माँ कलपते कलपते क्या हालत है, माँ के ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह
सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पाएंगे, कैसे व्यवसाय सुरक्षित रहेंगे, इस तरह का निंदनीय अगर घटना घटती है तो प्रशासन से ये लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। आप बने रहिए पूरा न्यूज के साथ।